नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के महानगर भारत का आईना, तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज ग्राउंड रिपोर्ट राजस्थान से। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज 199 सीटों पर मतदान हुआ। शहरों से लेकर गांव के बूथों तक मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें देखी गई। राजस्थान में हर चुनाव में सत्ता परिवर्तन करीब करीब ट्रेंड बन गया है। कांग्रेस दोबारा सत्ता में वापस आने के दावे कर रही है। हालांकि राजस्थान में कई जगहों से बवाल की भी खबरें आईं। राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी के मतदान के दौरान पथराव हुआ। पथराव के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई। बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात भी किया गया। भरतपुर जिले की कामा विधानसभा क्षेत्र के सावेलर गांव में दो गुटों के बीच झड़प हो गई। इसी की वजह से मतदान केंद्र पर अफरा तफरी मची और पोलिंग पार्टी को भागना पड़ा। धौलपुर की बाड़ी विधानसभा में पोलिंग बूथ के पास फायरिंग की खबर आई। यहां बीएसपी और बीजेपी उम्मीदवार के समर्थक आपस में ही भिड़ गए थे। पूरे राज्य में हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी लगातार अपडेट्स हमें देते रहे। हर्षा कुमारी सिंह झालरापाटन में थी, जहां से वो बता रही हैं कि राजस्थान के इस बार के चुनाव की सबसे बड़ी खासियत क्या रही। देखिए, इस बार का जो चुनाव है राजस्थान का, वो इस तरह से अलग है पिछले विधानसभा चुनावों से, क्योंकि इस बार कांग्रेस बहुत कोशिश कर रही है कि जो 30 साल की जो रिवॉल्विंग डोर ऑफ पॉलिटिक्स है, उसको कहीं ना कहीं उस रिवाज को बदला जाए। और कांग्रेस ने पूरी तरह से एक ताकत झोंक ली है। कांग्रेस बहुत इनफैक्ट अग्रेसिव होके कांग्रेस ने इस चुनाव का नैरेटिव और टोन सेट किया है। समाज कल्याण की योजनाएं, उसको एक्चुअली हम कह सकते हैं कि अशोक गहलोत ने एक साल पहले से चुनावी अभियान अपना शुरू कर दिया था, जब से उन्होंने महंगाई राहत कैंप्स का लॉन्च किया था। इसमें बीजेपी कोई नैरेटिव एक तरह से सेट नहीं कर पाई है। बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस के रिएक्शन में उन्होंने भी गारंटीज़ दी हैं। पहली बार बीजेपी में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, और पहली बार ये प्राइम मिनिस्टर वर्सेस चीफ मिनिस्टर का चुनाव है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है राजस्थान का, और उनके सामने है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चेहरा। तो इस तरह से जो ये चुनाव है, इस तरह से ये यूनिक है पिछले विधानसभा चुनावों से। और अगर इसमें कांग्रेस रिपीट कर पाएगी तो ये बहुत ही यूनिक चुनाव होगा, कि पहला चुनाव होगा कि कोई भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट राजस्थान में रिपीट कर पाई है। दूसरी चीज़ हम इस चुनाव में देख रहे हैं, वो है कि पिछले चुनाव से महिला मतदाता ज़्यादा आ रही थी, पर इस बार भी महिला मतदाता और जो युवा है वो एक तरह से ट्रेंड में है। महिला मतदाता और युवा को हर मैनिफेस्टो साजने की कोशिश कर रही है। महिला मतदाता और युवा वोटर सेंटर स्टेज है, पार्टीज़ के निशाने पे है, साधा जा रहा है उनको। और ख़ास जो अनाउंसमेंट्स हो रही है मैनिफेस्टो में, वो महिला और यूथ वोट को लेकर है, क्योंकि महिला का जो इश्यूज़ है और यूथ जो इश्यूज़ है, जैसे सुरक्षा का सवाल है या एजुकेशन का सवाल है या जॉब्स का सवाल है, ये भी एक तरह से पहली बार इस चुनाव में एक नैरेटिव बनकर सामने आ रहे हैं, एक पोल प्लैंक बन चुके हैं। और दूसरी बात जो है, इस बार सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं। तो डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा फॉर एग्जांपल, अब उनका एक पिक्चर बहुत वायरल हुआ था कि जीप पे वो खड़े होकर नाच रहे थे, तो वो जो उनका नाचते हुए का जो वीडियो था, कहीं ना कहीं वो हर मतदाता के घर पहुंचा है। तो जो सोशल मीडिया ने जिस तरह से प्रचार किया है, जो ट्विटर पे जो प्रचार हुआ है या जो एक्स पे प्रचार हुआ है, जो आप एक्स कहलाते हैं, या इंस्टाग्राम पे प्रचार हुआ है, वो अपने आप में एक अलग ही नैरेटिव है। तो किसकी सोशल मीडिया हैंडल्स कितने अच्छे से चल पाए हैं, कहीं ना कहीं ये भी जो कैंडिडेट है उसकी उसका जो हृदय किस्मत है, उसका जो भाग्य है, वो तय करेगा। तो इन सब चीज़ों में ये चुनाव कुछ अलग है। और इस बार के विधानसभा चुनावों में गुर्जर वोट महत्वपूर्ण है। गुर्जर वोटों के लिए दौसा और आसपास के इलाके महत्वपूर्ण हैं। देवेंद्र सिंह वहां हैं, वो बता रहे हैं कि क्या रहा गुर्जर, मीणा, जाट और किसानों के मन में इस बार। राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर जो चुनाव होने हैं, उनको लेकर हम इस समय दौसा जिले के अंदर मौजूद है। राजस्थान के अंदर दौसा जिला पूर्वी राजस्थान के अंदर आता है। यहाँ पर दौसा जिला
पूरे राजस्थान के अंदर सबसे छोटा जिला है। चुनाव के अगर बात माने तो सबसे अति संवेदनशील इलाका दौसा जिले को माना जाता है। दौसा जिले के अंदर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर 2 एक एसटी है, 1 एससी है और 3 जनरल सीट है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है दौसा जिला, ये मीणा गुजर बामूल्य क्षेत्र है। और इसके अलावा यहाँ पर जो किसान है उनको लेकर भी यहाँ पर जो चुनाव के जो स्थानीय मुद्दे हैं और जो राज्य स्तरीय मुद्दे उनको लेकर यहाँ पर चुनाव हो रहा है। चुनाव की अगर बात करें तो जहाँ पर मीणा गुजर जो बामूल्य क्षेत्र है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो गुजर समाज है उसके अंदर कहीं ना कहीं पिछली बार 2018 के अंदर जो चुनाव हुए थे उनको लेकर जो सचिन पायलट है उनको लेकर सीएम नहीं बनाने को लेकर कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी भी है। साथ में अगर बात मान करें तो मीणा समाज है जो जिसके अंदर भी गुजर और मीणा जो समाज है दोनों ही सपोर्ट मिलकर चुनाव लड़े जाते हैं। बात करें 5 विधानसभा के अंदर, 5 विधानसभा के अंदर जो जनरल सीट है उन पर एसटी कैंडिडेट उतारने को लेकर कहीं ना कहीं जो सामान्य वर्ग है उसमें भी कहीं ना कहीं नाराजगी है। दौसा से अगर बात करें दौसा जिले की तो दौसा विधानसभा से कांग्रेस से प्रत्याशी जो मुरारीलाल मीणा को उतारा गया, तो शंकरलाल शर्मा भाजपा से, बांदीकुई से गजराज खटाना कांग्रेस से, भाजपा से भागचंद टाकड़ा पर एक बार भाजपा ने दाव खेला है। बात करें सिकराय विधानसभा सीट की तो ये एससी सीट रिजर्व है, यहाँ से मंत्री ममता भूपेश कांग्रेस से प्रत्याशी है। भाजपा की बात करें तो भाजपा से यहाँ पर विक्रम बंसीवाल को चुनाव मैदान के अंदर उतारा है। दौसा जिले की सबसे जो हॉट सीट मानी गई है वो महुआ विधानसभा की सीट मानी गई है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जो वर्तमान में विधायक है ओम प्रकाश होल्ला उनको यहां से कांग्रेस का टिकट दिया गया है। साथ में उनके जो प्रतिद्वंदी है भाजपा से राजेंद्र मीणा को चुनाव के मैदान के अंदर उतारा गया है। राजेंद्र मीणा डॉक्टर करुणीलाल मीणा के भतीजे हैं। यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर यहाँ पर चुनाव मैदान के अंदर है। अगर बात करें किसानों की तो किसान भी यहाँ कहीं ना कहीं नाराज है। कर्जा माफी को लेकर जो किसान है उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी है ऐसा बताया जा रहा है। बात करें बामूल्य क्षेत्र की तो गुर्जर समाज और मीणा समाज का जो बामूल्य क्षेत्र है उसको लेकर जो गुर्जर समाज है उसके अंदर सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाने को लेकर भी यहां पर गुर्जर समाज के अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी है। मीणा समाज की बात करें तो मीणा समाज भी जो ओबीसी है गुर्जर और एसटी दोनों को पैक्ट मानकर यहाँ पर चुनाव लड़ जाता है उसको लेकर यहाँ पर चुनाव मैदान के अंदर है। किसान भी काफी नाराज है। किसानों का नाराजगी है कि जो कर्जा माफी है जो सरकार ने वादा किया था उसको लेकर कर्जा माफ कहीं ना कहीं जो किसान है उनका कर्जा माफ नहीं होने को लेकर अच्छी खासी जो नाराजगी है वो देखने को मिली है। देवेंद्र नरोका, एनडीटीवी दौसा। और कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत राज्य के सबसे लोकप्रिय कांग्रेस नेताओं के तौर पर उभरे हैं। वो सरदारपुरा से किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन इस इलाके में जो जोधपुर का इलाका है उसमें केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत का भी असर है। मुकुल परिहार बता रहे हैं कि यहाँ कौन किस पर भारी पड़ सकता है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का मतदान आज प्रदेश भर में हुआ, जहाँ पूरे देश की निगाहें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर पर टिकी है। जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर से आते हैं तो वहीं भाजपा के दिग्गज नेता और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी जोधपुर से आते हैं। जहां बात करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ की तो भाजपा यहां मुख्यमंत्री के गढ़ में सेंध लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। जहां एक और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के सहारे और अपनी 7 गारंटी को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो वहीं भाजपा इस बार ध्रुवीकरण की राजनीति को देखते हुए जो जालौर गेट का दंगा हुआ था उसको लेकर भी पूरा चुनावी मोड में दिखी जा रही है। जहां राजपूत प्रत्याशी इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने फिर एक बार चुनावी मैदान में है, जहां पहले शंभू सिंह खेतासर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने भाजपा के प्रत्याशी थे तो वहीं इस बार प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। जहां प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़ एक नया चेहरा है और प्रोफेशन से वह जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर और कला संकाय के डीन के रूप में भी कार्यरत हैं। बात करें जोधपुर शहर के 3 विधानसभा क्षेत्र की तो सूरसागर में इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों ने नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा है। जहां भाजपा ने सूरसागर में सूर्यकांता व्यास का टिकट काट कर देवेंद्र जोशी जो संघ से आते हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने इस बार पूर्व प्रत्याशी रहे अयुब खान के बेटे शहजाद खान को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि आरएलपी इस बार शहर विधानसभा में त्रिकोणीय संघर्ष कर सकती है। अब देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री गढ़ में भाजपा कितनी सेंध लगा पाती है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। और राजस्थान का उदयपुर वो इलाका है जहां पर ध्रुवीकरण को लेकर राजनीति होती रही है। सोमो आनंद वहां से बता रहे हैं कि जमीन पर वाकई इसका असर दिखा या नहीं।
17 महीने पहले उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की हत्या ने पूरे देश को सकते में डाल दिया था। जाहिर है ये मामला ऐसा था कि राजनीति तो होनी ही थी। उस वक्त भी हुई, देश के अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए, खूब बवाल हुआ। फिर उसके बाद मुआवजे की राशि मिलने के बाद और नौकरी की घोषणा के बाद धीरे धीरे ये मामला थोड़ा शांत हुआ। लेकिन वापस से राजस्थान के विधानसभा चुनावों में अलग अलग चुनावी मंच से कन्हैया लाल हत्याकांड का जिक्र होता गया और मामला सुलगता गया। वोट के लिए हर पार्टी ने अलग अलग तरीकों से कन्हैया लाल हत्याकांड का इस्तेमाल किया। जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना का जिक्र करते हुए लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार पर तुष्टिकरण के आरोप लगाए, स्वयं प्रधानमंत्री तक ने अलग अलग सभाओं से इसका जिक्र किया और प्रदेश की कानून व्यवस्था को फेल बताया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन आरोपियों का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से बताकर भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। इन सभी आरोप प्रत्यारोप के बीच कन्हैया लाल का परिवार यह गुजारिश करता रहा कि कन्हैया लाल का नाम राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए, लेकिन राजनेता कहाँ ही मानते हैं। हालांकि यह जरूर रहा कि जिस उदयपुर शहर सीट पर यह घटना हुई वहाँ पर पूरे चुनाव के दौरान यह मामला उतना तूल पकड़ता हुआ नहीं दिखा। हालांकि प्रदेश के बाकी हिस्सों में इसको लेकर के वोट जरूर मांगे गए, सभाओं में इसका जिक्र लगातार होता रहा। यह जिक्र कितना सफल हुआ ये तो 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि उदयपुर के लोगों ने और उदयपुर के प्रत्याशियों ने भी इसे उदयपुर में कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनने दिया और परिवार की बात मानी। सोमू आनंद, NDTV। राजस्थान में कहा जाता है कि जो भी पार्टी मेवाड़ जीतती है वो वहां की सरकार बनाती है। क्या इस बार ऐसा होगा, जानते हैं सलमान मंसूरी से। कहा जाता है कि जो मेवाड़ जीतता है वह प्रदेश में सत्ता में होता है, लेकिन पिछला चुनाव छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी चुनाव हुए उनमें यही अवधारणा देखने को मिली है। बाहुल्य है वो जनजाति इलाका है जिसमें उदयपुर आता है, बांसवाड़ा आता है, डूंगरपुर आता है, प्रतापगढ़ आता है। ये जिले जो हैं वो ST के ज़्यादा रहते हैं, ST के लोग ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ जिले की जो बड़ी सारी हैं विधानसभा है उनमें करीबन जो 36 ऐसी ग्राम पंचायत बताई जाती है जो वो बड़ी सारी विधानसभा में आती है, लेकिन वो ST के लोग हैं, बाहुल्य से TSP इसको बोलते हैं, वो यहाँ पर उसमें विधानसभा में होती है। 2018 के चुनाव में BTP से 2 विधायक यहाँ मेवाड़ में आए थे, लेकिन उन्होंने कुछ समय पहले पार्टी छोड़ दी थी और दूसरी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। BAP उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है, नई BAP पार्टी बनाई, उसमें उन्होंने उनका अमन थाम लिया था और BTP को पार्टी ने छोड़ दिया था। अभी जो मेवाड़ के अंदर जो है वो BTP और BAP जो पार्टी हैं वो भी मैदान में है, होने से यहाँ का मुकाबला काफ़ी रोचक बना हुआ है। इस विधानसभा चुनाव में मेवाड़ में कांग्रेस और भाजपा सहित BTP और BAP को कितनी सीटें मिलती हैं। सलमान, NDTV राजस्थान। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हमारा भारत में भी आगे है खास नजर राजस्थान के युवा वोटर्स पर। देख रहे हमारा भारत, BJP हो या कांग्रेस, युवा वोटर्स को अपनी ओर खींचने में राजस्थान में वो कामयाब होंगी या नहीं, जानते हैं जयपुर में मौजूद हमारे संवाददाता मुबारक खान से किन मुद्दों पर उन्होंने वोट किया है, आइए समझते हैं। राजस्थान के 199 विधानसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले जो मतदाताओं में जोश देखा गया वो देखने लायक था। चाहे महिलाएं हो, बुजुर्ग हो या फिर इस बार जो युवा वोटर्स हैं वो भी बड़ी संख्या में मतदान करते हुए दिखाई दिए। राजस्थान में करीब 22 लाख से ज़्यादा जो पहली बार के मतदाता थे उनमें भी जोश देखने लायक था। इस बार निर्वाचन आयोग ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर भी कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव में रिझाने का काम किया है। कई मतदाता जब पहली बार वोट कर निकले तो NDTV पर आपने देखा होगा कि उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन क्या जब सरकार 3 दिसंबर को बन जाएगी, चाहे वो कांग्रेस की बने या फिर BJP की, तो
तो क्या बीजेपी इन युवाओं के मुद्दे पर या कांग्रेस इन युवाओं के भविष्य पर किस तरीके से आगे जब सरकार बन जाएगी तो क्या कुछ फैसले ले पाती है, क्या कुछ इन युवाओं के मुद्दे थे जिनको लेकर इन्होंने आज वोट किया। जब इन युवाओं से हमने बात की तो ये सामने आया बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और युवाओं से जो सरकारें अपनी मैनिफेस्टो में वादे करती है उन मैनिफेस्टो पर सरकार कहीं ना कहीं पीछे हट जाती है, उनकी बातें नहीं मानती, तो इसके चलते युवाओं में नाराज़गी भी है, युवाओं में जो बढ़ती बेरोजगारी है उसको लेकर युवा चिंतित है। तो युवा कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने ये बात रखते हुए दिखाई दिए कि उनकी जो बेरोजगारी की बड़ी समस्या है उन पर सरकार विचार करे, बेरोजगारी को लेकर चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या फिर सरकार अपनी जो भर्तियां निकालती है उन पर ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां निकालकर युवाओं को रोज़गार देने का काम सरकार करे। हालांकि बीते जो कार्यकाल था सरकार का उसमें कई इस तरह की चीज़ें हुई, पेपर लीक की घटना बड़ा मुद्दा राजस्थान में रही, उसको लेकर युवा यहाँ नाराज़ देखा गया। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है युवा अपनी बेरोजगारी को लेकर चिंता में है, पेपर लीक की घटनाएं जो राजस्थान में उनको लेकर युवा चिंतित है। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है युवा कहीं ना कहीं नई बनने वाली सरकार से ये मांग करता है कि इस बार की जो सरकार बने वो युवाओं को खासकर तवज्जो दे, बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं का साथ दे और नई भर्तियाँ राजस्थान में निकाले। मुबारक खान, NDTV जयपुर। हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही है हमें जरूर बताएं। आपके लिए कार्यक्रम और हमारी रिपोर्ट्स NDTV इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। नमस्कार।